आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है डेटा कम्युनिकेशन। आपने नेटवर्क्स का पढ़ लिया, वो एक था ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें इन्वॉल्व हो रही थी। अब आप बिल्कुल उसका जो आपने पढ़ा था ना OSI मॉडल का फिजिकल लेयर, आप समझिए कि उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर ये सारा कॉन्टेंट है जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? डेटा कम्युनिकेशन है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कंप्यूटर के जरिए या इलेक्ट्रॉनिकली कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन या मैसेज कह रहे हैं, ये किस तरह करते हैं? यूजिंग ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डाटा को ट्रांसफर करने में, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में, या ट्रांसमिशन मीडिया होता है, यानी कि जिसके ऊपर से ट्रांसफर, जिस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफर हो रहा होती है इंफॉर्मेशन। वो हो सकता है कोई ट्रांसमिशन मीडिया, कोई तारे हो, कोई तार के जरिए इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई केबलिंग के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, या वायरलेसली हो रही है, ठीक है। यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत ज्यादा इसमें इस्तेमाल है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि आप देख लें, मैसेज, सेंडर। मैसेज क्या है? वो पैगाम या इंफॉर्मेशन जो कि सेंड करनी है, सेंडर जिसने सेंड करनी है, रिसीवर जिसने रिसीव करेगा, कम्युनिकेशन चैनल यानी कि किस तरह से वो सेंड की गई है, किस मीडियम को यूज करते हुए, और इनकोडर एंड डिकोडर, ये दो जो है ना कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। इनको मैं आगे आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस इनका कहाँ पे इस्तेमाल आता है। सबसे पहला आ जाता है मैसेज। मैसेज वो इंफॉर्मेशन या डाटा है जिसको कम्युनिकेट करना है, जिसको ट्रांसफर करना है, जिसको भेजना है। ये टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, नंबर्स की सूरत में भी हो सकता है। टेक्स्ट क्या होता है? ABC यानी अल्फाबेट्स की सूरत में। नंबर्स क्या होते हैं? 0 से 9 तक के नंबर और उनका कॉम्बिनेशन, इस सूरत में न्यूमेरिक डाटा जो होता है, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकता है, तस्वीरें सेंड नहीं करते आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे एक दूसरे को। साउंड्स की सूरत में हो सकता है, ये जो गाने सेंड किए जाते हैं। वीडियोस की सूरत में होता है, जो मूवीज सेंड की जाती हैं, या इनकी कॉम्बिनेशन, कोई भी इनकी ये मैसेज इस सूरत में, किसी भी सूरत में हो सकता है। फिर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है सेंडर। सेंडर ऐसी डिवाइस नेटवर्क के ऊपर जो के सेंड कर रही है मैसेज को, ठीक है। इसके दो और नाम है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, सॉरी सोर्स, ट्रांसमीटर और सोर्स। ये दो नाम अच्छी तरह से याद कर लें, ये MCQs में अक्सर आते होते हैं। ये सोर्स वाला जो है ना, ये तो अक्सर ही आता होता है, ठीक है। इट कैन बी, ये सेंडर कंप्यूटर भी हो सकता है, सेंडर कोई मोबाइल फोन भी हो सकता है। जब आप मोबाइल फोन से अपना आप कोई किसी को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, तस्वीरें वगैरह आप यानी इंफॉर्मेशन या मैसेज शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो उस वक्त उस सूरत में मोबाइल फोन क्या होगा? वो सेंडर होगा, ठीक है। मोबाइल फोन के अलावा फैक्स मशीन्स भी हो सकती हैं जो कि एज अ सेंडर, जो सेंडर का काम दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम लोग जो बात करते हैं वो कंप्यूटर की कर रहे होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो सेंडर है। अच्छा, रिसीवर, रिसीवर एक ऐसी डिवाइस, ठीक है, जो कि मैसेजेस रिसीव करती है, जो फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर ही मौजूद होती है, जो कि नेटवर्क के ऊपर सेंडर ने मैसेज सेंड किया होता है, उसको रिसीव करने वाली डिवाइस को रिसीवर बोलते हैं, इसको सिंक भी बोलते हैं। अच्छा, इस ये दो पॉइंट्स हैं अब आपके पास, एक सेंडर का दूसरा नाम सोर्स है, ठीक है, और रिसीवर का दूसरा नाम सिंक है। इसको कहीं पे नोट कर लें, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQs में लाजमी आते हैं कि रिसीवर को और क्या, रिसीवर व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ, नहीं इस तरह से तो नहीं आता, बहरहाल ये आता है कि रिसीवर का दूसरा नाम क्या है, जो कि सिंक भी कहलाता है, या सिंक किसे कहते हैं, इस तरह से MCQs आ जाता होता है। अच्छा, ये भी इसी तरह, ये रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी ही हो सकता है, ठीक है, और फैक्स मशीन भी हो सकती है। और इस यूजुअली जो है रिसीवर हमारे पास कंप्यूटर ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल। वो चैनल जिसके जरिए, वो ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता जिसके जरिए मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, ये मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, कहां से कहां तक? फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, इसको ट्रांसमिशन मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये कोई केबल भी हो सकती है, आपने सेंडर और रिसीवर के दरमियान केबल के जरिए एक नेटवर्क क्रिएट हुआ हो, तो केबल भी एक ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, या फिर वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, वाईफाई वगैरह के जरिए या कोई सैटेलाइट के जरिए,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट इनकोडर एंड डिकोडर। अच्छा एक बात जो आपकी जो है ना समझने वाली है, कंप्यूटर हमेशा डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम करता है, डिजिटल सिग्नल्स के साथ ही खेलता है। डिजिटल सिग्नल्स का क्या मतलब है, 1010 की फॉर्म में। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक, कंप्यूटर के अंदर चिप्स होती हैं, सही है, इलेक्ट्रिकल चिप्स होती हैं जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह के साथ मिलकर बनी होती हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे ट्रांजिस्टर कह लें या इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी पल्सेस होती हैं, जब ये पल्स ऑन होती है, ठीक है, यानी इसमें करंट आ रहा होता है, तो इसका मतलब है ये वन है, ये ऑन है, ठीक है, इसकी वैल्यू वन है। जब ये इलेक्ट्रिक पल्स ऑफ होती है, यानी कि इसमें करंट नहीं आ रहा होता, तो ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसीलिए जो आपका कंप्यूटर है वो 0101 की फॉर्म में ही सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, प्रोसेसिंग भी करता है, मेमोरी में भी 0101 की फॉर्म में डाटा सारा सेव होता है। जीरो का मतलब है कि पल्स उस जगह पे ऑफ है, और वन का मतलब है कि उस लोकेशन जगह पे पल्स ऑन है। ये एक जो होती है ना पल्स, ये एक सिंगल बिट कहलाती है, और जब ये आठ मिल जाती हैं, आपस में ग्रुप बना लेती हैं, आठ पल्सेस, तो ये मिलके क्या करती हैं, एक बाइट बना देती हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए आगे सारा काम करने से पहले। ठीक है, बिट और बाइट में, ये एक सिंगल बिट है वन या जीरो, जब ये मिलके आठ बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो मिलके एक ग्रुप ऑफ बिट, एट ग्रुप ऑफ बिट्स मिलके एक बाइट बना देती हैं। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम करता है। लेकिन जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है वो एनालॉग सिग्नल्स के साथ काम करता है। कम्युनिकेशन चैनल क्या हो सकता है, आपकी टेलीफोन लाइन हो सकती है। एनालॉग का क्या मतलब है, वो यू वेव्स की सूरत में डाटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, सही है। अब इन दोनों देखें, एक डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम कर रहा है, एक एनालॉग के साथ काम कर रहा है, तो इनकोडर और डिकोडर ये दोनों को एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो कि सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। कैसे करती हैं, देखें, सेंडर है, ठीक है, बीच में कोई कम्युनिकेशन लाइन है, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन केबल है, इसके जरिए रिसीवर तक पैगाम पहुंचाना है। अब आपके पास, आपको पता है, सेंडर कंप्यूटर है, रिसीवर कंप्यूटर है, यानी दोनों डिजिटल सिग्नल्स के साथ काम कर रहे हैं। जो बीच में कम्युनिकेशन लाइन है वो एनालॉग सिग्नल्स के साथ काम कर रही है। तो यहाँ पे सेंडर के जगह साथ आप एक इनकोडर ऐड कर देते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस, जो कि डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, सही है। इनकोडर डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करती है, सिग्नल्स फ्रॉम सेंडर, यानी डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है इन फॉर्म ऑफ एनालॉग। एनालॉग या ट्रांसमिशन मीडिया, जिस तरह जो उनका सिग्नल यूज कर रहा है उस ट्रांसमिशन मीडिया के सिग्नल के अकॉर्डिंग। और रिसीवर साइड पे एक डिकोडर लगा होता है, यहाँ पे वो क्या करता है, ट्रांसमिशन मीडिया से सिग्नल को रिसीव करता है और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर तक पहुंचा देता है, रिसीवर को दे देता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्जन करता है, उल्टा काम करता है। ठीक है, जो इनकोडेड सिग्नल्स होते हैं, ये इनकोड होके जो कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए रिसीवर तक पहुंचते हैं, उन सिग्नल्स को क्या करता है, पहले उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में करता है ताकि कंप्यूटर या रिसीवर उसको समझ सके। कंप्यूटर ने तो 0101 की जुबान समझनी है, कंप्यूटर ने तो ये सिग्नल्स को समझना ही नहीं है, एनालॉग सिग्नल्स को, सही है। तो इसीलिए इनकोडर और डिकोडर बीच में इसलिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिग्नल्स एंड इट्स टाइप्स। सिग्नल हमने देख लिया, एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सिग्नल होता क्या है, डाटा ट्रांसमिशन किस तरह होती है, इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड लाइट वेव्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या फिर लाइट वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम, सही है। सिग्नल्स क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स जिनकी जिससे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स जो होती है जिसके जिनसे रिप्रेजेंट किया जाता है उनको सिग्नल्स बोलते हैं। दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। अब आगे देख लेते हैं, सबसे पहले एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, ये कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेव, जैसे ये नीचे आपको फिगर में शो हो रहे हैं, ये वेव की सूरत में सिग्नल्स होते हैं, कंटीन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। जो वेव होती है ये कैरियर वेव भी कहलाती है, कैरियर वेव का मतलब है कि इसके अंदर मैसेज कैरी करके लेके जा रही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, लाइट वेव्स, सही है, साउंड वेव्स, हम जो बोलते हैं ना हमारे मुंह से भी वेव्स की सूरत में साउंड हमारी तरफ से निकलती है, हमारे मुंह से वेव्स की सूरत में निकलती है और कहाँ तक पहुंचती है, सेंडर के कानों में, जो उसके जो अल्लाह ताला ने हमारा इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है
तो वो रिसीवर के कान, जो रिसीवर के कान उन वेव्स को खुद ही डिकोड करके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, सही है। और फिर नेक्स्ट आता है रेडियो वेव्स, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। अच्छा, डेटा थ्रू टेलीफोन लाइन इज कम्युनिकेटेड इन अ फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। टेलीफोन लाइन से जो भी डाटा जाता है वो एनालॉग सिग्नल्स की सूरत में जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालॉग सिग्नल की, वो देख लेते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स के द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, ये वेव पता कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हुई और ये वेव यहाँ पे आके एक खत्म हो गई। अब अगली वेव शुरू होने लगी है, ठीक है। ये फिर नेक्स्ट वेव, यहाँ से नेक्स्ट वेव शुरू होगी और वे यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, फिर अगली वेव शुरू होने लगी, ठीक है। ये वेव्स हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने वेव्स को की फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। तो वो है कि पर यूनिट टाइम कुछ होगा, कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, इस हिस्से में ये वेव्स आपको पता है ना मूव कर रही होती है ना, ये ट्रेवल करती है तो ज़ाहिर है मूव कर रही होती है। तो ये कितनी नंबर ऑफ वेव्स इस यूनिट टाइम में पास कर गई है, सही है। अब देखें, अब अगर इनकी ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये चीज, ये विड्थ इसकी, ठीक है, अगर तो ये ज्यादा है, सही है, ये अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है थोड़ी वेव्स पास करेंगी। अगर ये कम है, यानी वेव्स इस तरह से हैं, ये देखें थोड़ी है, ज्यादा वेव्स पास कर जाएंगी इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, सही है। अच्छा, इनको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हाइट ऑफ वेव, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो वेव की हाइट है ये एम्पलीट्यूड कहलाती है किसी भी वेव का, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एनालॉग सिग्नल की। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स होते हैं सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। सही है, बाइनरी फॉर्म में वोल्टेज का सीक्वेंस, यानी 0101 की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ जीरो ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। अगर ऑन होगा इसका मतलब है वैल्यू 1 है, अगर ऑफ होगा वैल्यू 0 है। अच्छा, ये डिस्कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि या 1 होगा या 0 होगा या 0 होगा या 1 होगा, इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता, डिस्क्रीट वैल्यूज है, फिक्स्ड वैल्यूज है, या 0 या 1, बीच में 0 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कंप्यूटर्स डिजिटल की डिजिटल सिग्नल्स को जो है ना लेके चलता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा इन अ फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स डिस्प्ले रिप्रेजेंट किया जाता है। डाटा रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, यानी 0101 की फॉर्म में कंप्यूटर डाटा को डील करता है, या डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स को ही लेके चलते हैं। वोल्टेज, हाई वोल्टेज, यानी 1 है तो इसका मतलब है हाई वोल्टेज, 0 है तो इसका मतलब है लो वोल्टेज। अब आप देखें इसका ग्राफ, उसका ग्राफ कैसे था एनालॉग का, कुछ इस तरह से था, है ना। इसका ग्राफ ऐसा नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, इसका या 0 होगा या डायरेक्ट 1 होगा, ठीक है। फिर ये 1 है, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 0, ठीक है। इस तरह से ये डिजिटल सिग्नल्स का को प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेटा। जी, डेटा देख लेते हैं। सब डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सही है, ये मुख्तलिफ, इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए इनको इकट्ठा किया जाता है। डेटा को ट्रांसफर भी करने के लिए यूज किया जाता है, स्टोर करने के लिए भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसके मुख्तलिफ पर्पसेस हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में सबसे पहले किस तरह का डेटा हो सकता है? टेक्स्ट की सूरत में। इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या वर्ड्स का कलेक्शन करके क्या बनता है? सेंटेंसेस। एंड कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इज पैराग्राफ्स। इन तीनों सूरत में डेटा को टेक्स्ट डेटा हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का क्या मतलब है? फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल जी, ठीक है, या फिर फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जी, ये सब अल्फाबेट्स में आ जाते हैं, सही है। इसके बाद आ जाता है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डिजिट्स, यानी कि 0 से लेके 9 तक जितना डाटा होगा या जितनी डिजिट्स हैं वो न्यूमेरिक डिजिट कहलाएंगे। फिर आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी फॉर एग्जांपल एट द रेट का साइन, ठीक है, या फिर आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क या डॉलर साइन, ये सारे क्या हैं? ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये आपके पास क्या आ जाता है? ब्रैकेट्स आ जाती हैं, एम्परसेंड साइन, ये स्टेरिक साइन और हैश साइन, ठीक है, ये सब कौन से परसेंटेज साइन, ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं।
अच्छा, इट इज स्टोर्ड एज ASCII कोड फॉर्मेट। ये इनकोडिंग जो है ना, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, ये होता क्या है एक्चुअली कि ना, इन हर कैरेक्टर की ना, ये चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे अल्फाबेट्स हो, चाहे न्यूमेरिक डिजिट्स हो, इनको ASCII एक कोड दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कैपिटल ए को एक कोड दिया गया है विच इज 65, ASCII में 65 कोड है। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को सिर्फ समझता है, यानी 0101 की जुबान समझता है। अब आपने कंप्यूटर में ए स्टोर करवाना है, कैपिटल ए, तो आप कैसे स्टोर करवाएंगे? तो उसको स्टोर करवाने का एक तरीका यह है कि ASCII कोड का इस्तेमाल किया जाए, यानी कैपिटल ए को जहां पे जब भी कैपिटल आए आप उसको 65 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है? 65 होगा, 65 को अब आप बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ के आए हैं वो तो बाइनरी कन्वर्जन करना जानते होंगे, जो नहीं आए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता देती हूँ। बाइनरी की वैल्यू 2 होती है, बेस 2 होती है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1 की सूरत में। आपने 2 से डिवाइड करते जाने चले जाना है और जो रिमाइंडर होगा उनको स्टोर करते जाना है, जैसे 2 3 6, 2 2 4 और 1 रिमाइंडर, आपने ये डैश डाल के आगे 1 डाल दिया, फिर 2 1 2, 2 6 12 और 0 रिमाइंडर, 2 8 16 और 0 रिमाइंडर, 2 4 8, सही है? और ये जिस तरह एलसीएम नहीं लेते, बिल्कुल वही तरीका है, 0 रिमाइंडर, और 2 2 4, 0 रिमाइंडर, पूरा पूरा जा रहा है ना, और 2 1 2 और 0 रिमाइंडर। अब आपने इसको कैसे लिखना है, यहां से रिवर्स ऑर्डर में, यहां से लेके ऊपर की तरफ जाना है, कैसे उसका आंसर क्या होगा? अगर 65 को बाइनरी फॉर्म में लिखना हो तो 1 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5 और आगे दोबारा 1, ठीक है? 65 की बाइनरी फॉर्म ये है, यानी कंप्यूटर में जब भी ए आएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, 1 5 times 0 1, सही है? यानी ए को 1 का क्या मतलब है, जहां पे 1 आएगा इसका मतलब है पल्स ऑन है, जहां 0 आएगा इसका मतलब है पल्स ऑफ है। इस तरह से सारा का सारा काम कंप्यूटर के अंदर होगा, ठीक है? ASCII कोड फॉर्मेट इस तरह से, यानी इस फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, आपने 97 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? कैपिटल ए की 65, कैपिटल बी की 66, 67, सी की 68, डी की, इसी तरह कैपिटल स्मॉल ए की 97, स्मॉल बी की 98, स्मॉल सी की 99 एंड सो ऑन, ठीक है? और इसी तरह सब स्पेशल कैरेक्टर्स की भी कोई ना कोई वैल्यू है, सही है? ASCII कोड हम आगे भी देखते हैं वैसे। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है टेक्स्ट डाटा की? मोहम्मद उमर, ये भी टेक्स्ट में है, आई लव पाकिस्तान, ये भी टेक्स्ट में है, ये भी टेक्स्ट में है, ये एड्रेस जो है इसमें जो 457 है, ये कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, ये टेक्स्ट डाटा में ही आएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट डाटा देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है, वह न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, इसमें क्या कुछ आ जाता है, डिजिट्स आ जाते हैं फ्रॉम 0 to 9, प्लस और माइनस साइन और डेसिमल पॉइंट, ठीक है? न्यूमेरिक में ये कुछ आ जाता है। अच्छा, पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस का साइन लगाना ऑप्शनल है, जिस तरह हम अक्सर 2 लिखते हैं, तो मैथ की, ये तो मैथ की बात है ना कि 2 लिखते हैं, इसके साथ प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने -2 लिखना है तो माइनस का साइन लगाना लाजमी होगा, अदरवाइज वो प्लस कंसिडर कर लिया जाएगा, सही है? अच्छा, अब 2 तरह के न्यूमेरिक डाटा आ जाते हैं, इंटीजर डाटा और रियल डाटा। इंटीजर डाटा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होल वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना आए, ठीक है? ये देखें, +62, अगर इसके साथ क्या है 312, इसका मतलब है इसके साथ ऑटोमेटिकली खुद ही प्लस आ जाएगा, आपने नहीं भी लगाया तो ये प्लस ही कंसिडर हो रहा है, या -26, ये सब इंटीजर वैल्यूज है। एक होता है रियल डाटा, यानी कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज डेट हैव डेसिमल पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट आ जाए, ठीक है? यानी 15.4, 0.006, ये इससे पॉइंट से पहले जीरो आपने नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली इसका जीरो ही कंसिडर होगा, 4.07, ये सब रियल डाटा है, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डाटा पे आ जाते हैं, इमेज डाटा। इमेज डाटा क्या होता है, इसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, फ्री हैंड ड्रॉइंग्स, पोर्ट्रेट्स, ये सारी जो है ना, ये इमेज डाटा में आ जाती है। रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न्स, इसमें भी बिट पैटर्न। अच्छा, एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर पता है कैसे इमेज को स्टोर किया जाता है? अब आपको पता है ना कि कंप्यूटर तो 0101 की जुबान समझ रहा है, यानी कि कंप्यूटर तो आपके पास डिजिटल फॉर्म में, यानी डिजिट्स में जो है
डाटा को स्टोर करता है, तो तस्वीर कैसे स्टोर होती होगी? एक्चुअली आपने पढ़े है ना मैथ्स में मैट्रिसेस, मैट्रिसेस आप पढ़ते थे ना, जिसमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में मैट्रिसेस आते थे, ये सारी मैट्रिसेस की थ्योरी की एप्लीकेशन यहाँ पे भी मौजूद है. इमेजेस को इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस स्टोर किया जाता है, ठीक है. मैट्रिसेस में कितनी इधर एंट्रीज आती थी इस तरह से, ठीक है. अच्छा, अब आपने पिक्सल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उसमें मॉनिटर्स में, सही है, पिक्सल्स का. इसी तरह इसमें भी पिक्सल का कॉन्सेप्ट है. हर इमेज को इन फॉर्म ऑफ छोटे छोटे डॉट्स इन फॉर्म ऑफ पिक्सल्स डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है. और उन पिक्सल्स को वो देखें, अब ये लोकेशन जो है, ये जो मैट्रिक्स की जो है, ये एक एक पिक्सल की लोकेशन है. इसकी जो वैल्यू होगी वो उस पिक्सल की कलर की वैल्यू होगी. इसमें कलर्स को भी वैल्यूज दी जाती है, ठीक है. कलर फॉर एग्जांपल कोई रेड कलर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे रेड कलर का एक पिक्सल आ जाएगा. इस तरह से जब छोटे 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 ढेर सारे पिक्सल इकट्ठे होकर मिलते हैं और उनकी मुख्तलिफ कलर की वैल्यूज होती हैं, तो वो मिलके एक पिक्चर बना देते हैं, एक इमेज बना देते हैं, ठीक है. अच्छा, डाटा इज सेंट एज कंटिग्यूअस बिट्स. कंटिग्यूअस बिट्स का क्या मतलब है? कि इकट्ठी एक साथ बिट्स इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. ये देखिए, एक मैट्रिस में इन ढेर, ये मैं इधर बनाई नहीं है, लेकिन आप लोग इधर कर इमेजिन करें कि ये ढेर सारी बिट्स हैं, ये एक इमेज की, फॉर जितनी इमेज का साइज होगा उतना बड़ा मैट्रिक्स होगा इमेज का, ठीक है. तो ये जब ढेर सारी बिट्स इकट्ठी होके एक इमेज बनाती हैं, तो ये इकट्ठी एक कॉन्टिग्यूअस बिट्स बन जाती हैं, ठीक है. एक इमेज इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है इन कंप्यूटर्स, ठीक है. इसको कॉन्टिग्यूअस बिट्स का नाम दे रहे हैं. बिट्स आर पैक्ड इनटू बाइट्स. बिट्स को ये बाइट्स के अंदर पैक्ड होती है, यानी 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती है. एमसीक्यूज में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसको अच्छी तरह से कर लें, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बिट और बाइट में क्या फर्क है. बिट क्या होती है? एक सिंगल बिट क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रिक पल्स को शो करती है, या ऑन या ऑफ या जीरो या वन, ये सिंगल बिट होती है. जब 8 बिट्स इकट्ठी मिल जाती हैं, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स बिकम्स अ बाइट, वन बाइट, ठीक है. फिर नेक्स्ट डाटा आ जाता है ऑडियो डाटा, यानी कि म्यूजिक या स्पीच की सूरत में, या कोई और किसी और तरह की भी साउंड, साउंड में जो डाटा होता है वो ऑडियो डाटा कहलाता है. ये कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं. कैसे सिग्नल्स होते हैं? ये इस तरह के सिग्नल्स होते हैं जो आप एनालॉग सिग्नल्स नहीं पढ़ के आए, ऐसे सिग्नल्स होते हैं. इनको भी कंप्यूटर में एंटर करने से पहले, कंप्यूटर में सेव करने से पहले, अक्सर गाने जो आप लोगों के कंप्यूटर में या मोबाइल्स में सेव होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में सेव होते हैं ना, तो उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है. ये फिर नेक्स्ट आ जाता है वीडियो डाटा. वीडियो डाटा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स, ठीक है. पिक्चर्स को मोशन पिक्चर्स या ढेर सारी पिक्चर्स या मूवी फिल्म्स ना, ढेर सारी पिक्चर्स को जब एक साथ एक स्पीड से देखा जाता है, थोड़े थोड़े से गैप के बाद जो होती हैं, तो वो मिलके एक वीडियो की शक्ल ले लेती हैं. ये आपने जब वीडियो जो ग्राफिक जो आपने वीडियो ग्रैबर्स और इस तरह की चीजें पढ़ी हैं चैप्टर 1 में, उनमें आप दोबारा जाके देखिएगा, उसकी एक वीडियो भी उसमें अपलोड की हुई है कि किस तरह वो सारा एक तरीका बताया गया कि फ्रेम्स होते हैं और वो फ्रेम्स ढेर सारे इकट्ठे मिला के एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है. मूवी फिल्म्स कहाँ बनती हैं? वीडियो कैमरास के जरिए मूवी फिल्म्स बनाई जाती हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन. कैसे, यानी डाटा को कंप्यूटर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं. डाटा कंप्यूटर के अंदर इन बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 0101 की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है. बाइनरी मीन्स 2. बाइनरी का मतलब है 2, यानी 2 डिजिट्स होते हैं, या 0 होता है या 1 होता है, ठीक है. ईच बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती है? हर बाइनरी डिजिट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस. जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मेमोरी है, इसके अंदर मल्टीपल पल्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस बहुत ढेर सारी होती हैं, छोटे 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 सेल्स होते हैं. ये पल्स अगर ऑन हो, इसका मतलब है कि बाइनरी डिजिट 1 है, यानी इलेक्ट्रिक पल्स की प्रेजेंस शो करता है. अगर ये पल्स ऑफ हो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक पल्स की एब्सेंस हो, तो फिर डिजिट 0 होता है. अच्छा, बिट का क्या मतलब है? बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट. बाइनरी का बी आई ले लिया और डिजिट का लास्ट टी ले लिया, ये मिलके एक बिट बनाती है, यानी एक सिंगल डिजिट, यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा होती है, या जो 0 या फिर 1. जब 8 बिट्स इकट्ठी मिल जाती है, तो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज 1 बाइट, ठीक है. सिंगल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स. एक कैरेक्टर को 8 बिट्स की मदद से इकट्ठे रिप्रेजेंट किया जाता है. अब नेक्स्ट आ जाता है इनकोडिंग ऑफ डाटा.
जो अभी हमने ASCII कोड की बात की थी ना, अब जरा आगे देखें कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम है। कंप्यूटर आपको पता है कि बाइनरी डिजिट्स के साथ सिर्फ काम करता है, इसने किसी और के साथ काम नहीं करना। और हर इसलिए जरूरी है कि हर तरह के डेटा को आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जरूरी है कन्वर्जन। वो कन्वर्जन कैसे होगी? जो प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में जिस तरह से डेटा को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो इनकोडिंग कहलाता है, ठीक है। और वो किस तरह से किया जाता है इनकोडिंग, डेटा को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, यूजिंग डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स, डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स के जरिए। वो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जिनको वन बाय वन हम देखते हैं, बीसीडी, ईबीसी, डीआईसी, ASCII और यूनिकोड। इन सब की एब्रीवेशन आपने अच्छी तरह से कर लेनी है, एमसीक्यूज में आ जाती होती है। सबसे पहले आ जाता है बीसीडी। बीसीडी मतलब बी फॉर बाइनरी, सी फॉर कोडेड, डी फॉर डेसिमल। ये 4-bit कोड होता है, एवरी डिजिट ऑफ अ डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 bits। डेसिमल डिजिट्स को 4 bits, यानी 0 को 4 bits में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 0000। 1 को 4 bits में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 0001। अच्छा, अब 2 जो है उसको आपने बाइनरी में जब कन्वर्ट करना है उसको भी 4 bits में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 4 bits कोडिंग स्कीम है। अच्छा, ये पहले कंप्यूटर्स में यूज होती थी, लेकिन अब आजकल इसको यूज नहीं करे क्योंकि इसमें लिमिटेशन थी। ये सिर्फ न्यूमेरिक डाटा के साथ इस्तेमाल की जाती थी, न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करती थी, यानी 0 से लेके 9 digits तक। अगर आपने एबीसी वाले डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, टेक्स्ट डाटा को रिप्रेजेंट करना होता था तो आप इस कोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ईबीसी डीआईसी कोड। ई फॉर एक्सटेंडेड, बी फॉर बाइनरी, सी फॉर कोड, डी फॉर डेसिमल, आई फॉर इंटरचेंज, सी फॉर कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये 8-bit कोडिंग स्कीम थी। ये कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती थी? 256, यानी 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स को, 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती थी। 8-bit कोड का क्या मतलब है? यानी 0 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो 8 times 0 लगा दें, 8 bits होंगे, 1, 2, 3, 4, या आप 8 times लगा दीजिए, ठीक है। ये 8-bit कोडिंग स्कीम इसलिए कहा जाता है। इसको IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, IBM के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे वो यूज किया करते थे। नेक्स्ट आ जाती है ASCII कोड, जिसके बारे में हम अभी बात करके आ चुके हुए हैं, क्योंकि उसका जिक्र पहले आ गया था। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है जो कि अक्सर आई होती है, सिर्फ आपके यहाँ पे इंटर के पेपर में नहीं, आप आगे BS में या MS में कहीं पे भी आप जाएं तो इसकी बहुत ज्यादा ये जो है ना, इसकी वैल्यू है। इसको किसने डेवलप किया था? इसको किया था ANSI ने, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। अच्छा, ये पहला जो ASCII कोड आया था वो 7-bit कोड था, यानी 7 bits को मिला के अगर आपने 0 लिखना है तो 7 bits उसके लिए यूज होंगे, लेकिन वो उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया टू 8-bit कोड। जो 7-bit कोड था वो 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता था, जबकि 8-bit कोड 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। आजकल 8-bit कोड यूज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल ASCII कोड ही है, ए का कैपिटल ए का ASCII कोड क्या है? 65, यानी ये टेक्स्ट डाटा को भी करता है, सिर्फ न्यूमेरिक को नहीं करता। स्मॉल ए का ASCII कोड क्या है? 97, ठीक है। ये एक टेबल है पूरा, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में दिया होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है? यानी यूनिवर्सल कोड। यूनी जो है यूनिवर्सल से और कोड कोड, ठीक है। ये 16-bit कोडिंग स्कीम है, उससे भी बड़ी, यानी 2 की पावर 16, यानी 65536 कैरेक्टर्स या सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये कहां से आया? यानी 2 की पावर आपने 16 ली तो ये आपको इधर से पता चला। इसको डिवेलप किया था बाय फॉलोइंग द ASCII कोडिंग स्कीम। पहला 256 कैरेक्टर्स जो है यूनिकोड के, पहले 256 कैरेक्टर्स और ASCII कोड के 256 कैरेक्टर्स, ये दोनों सेम है, सही है। आगे से फिर जो है ना थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया गया तो थोड़ी चेंजेस आई। नेक्स्ट आ जाता है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन मोड का क्या मतलब है? कि वो तरीकेकार जिससे एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट किया जाए, सही है, वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या इसको डेटा ट्रांसमिशन मोड के अलावा डेटा कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं, इसको डायरेक्शनल मोड्स भी कहते हैं, ये दो नाम है इसके।
इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ये बताता है. टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड्स क्या है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, ये तीन हम देखते हैं. और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लेना है. सबसे पहले आ जाता है सिंप्लेक्स मोड. डेटा फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है. सेंडर से रिसीवर को भेजना है, जाहिर है सेंडर से ही रिसीवर को भेजेंगे, तो सिर्फ सेंडर रिसीवर को भेज सकता है, रिसीवर वापस सेंडर को नहीं भेज सकता डेटा. सेंडर सिर्फ डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता, और रिसीवर सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता. इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है कि जब आप प्रिंटर को डेटा भेजते हैं तो आप सिर्फ प्रिंटर को सेंड कर सकते हैं, प्रिंटर से कुछ रिसीव नहीं कर सकते, या कोई भी आउटपुट डिवाइस, आप सिर्फ सेंड कर सकते हैं डेटा, रिसीव नहीं कर सकते. ठीक है, इसके अलावा रेडियो या टीवी ट्रांसमिशन जो हमारी डेली लाइफ में है, सही है, आप ऐसा होता है कि आप टीवी देख रहे हो तो आप उन जो है आप लोगों तक डेटा पहुंच रहा है, आप रिसीवर हैं उसको, ठीक है, तो आपकी आपकी डिवाइस यानी रिसीवर है, तो आप टीवी के जरिए क्या आप अपना मैसेज उधर भेज सकते हैं, बोलते रहे जितना मर्जी बोलते रहे, टीवी देख के कोई ड्रामा देख रहे हैं, जितना मर्जी बोलते रहे कि ये इसने क्या किया ये वो, उन तक बात नहीं पहुंचेगी, सही है, क्योंकि टेलीविजन जो है वो सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड में काम करता है. अच्छा, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज नॉट कंफर्म्ड, कंफर्म नहीं होता कि वाकई जो आप तक डेटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा. फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीवी की अगर केबल चली जाए, जब तक आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे केबल ऑपरेटर वालों को, या केबल ऑपरेटर वाले खुद नहीं देखेंगे, उनको इल्हाम तो नहीं होगा, क्योंकि आप उनको सेंड नहीं कर सकते डेटा, कि आप उनको कुछ मैसेज नहीं भेज सकते यूजिंग टेलीविजन कि भाई हमारा केबल उड़ गई है, हमारा चैनल नहीं आ रहा, तो प्लीज आप इसको जो है ना ठीक करें. अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है नॉट पॉसिबल टू रिक्वेस्ट सेंडर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन. आप सेंडर को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि रीट्रांसमिट कर दो भाई, कि भाई मेरे से मेरा ना फलां एपिसोड ड्रामे की देखने वाली रह गई है, मैं उस वक्त फ्लाइट चली गई थी या फलां मसला हो गया था, तो आप मुझे ना वो एपिसोड दोबारा लगा दें. आप कह सकते हैं टीवी चैनल वालों को, हाँ उन्होंने ऐसा किया होता है कि उन्होंने रीट्रांसमिशन खुद से की होती है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे नहीं करते. जैसे आप लोग वो जो रिपीट टेलीकास्ट होते हैं ड्रामे, आपकी रिक्वेस्ट पे नहीं हो रहे होते, उनका टाइम फिक्स होता है, ठीक है. अच्छा, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता टेलीविजन या रेडियो वगैरह में, होता है आम जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है उनमें यूज नहीं होता, और यूज इन बिजनेस, बिजनेस में कहाँ कहाँ होता है, कुछ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे होता है, हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप रिसीवर जो है वो सेंडर को वापस भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सके. नेक्स्ट आता था हाफ डुप्लेक्स मोड. इसने कहा कि भाई सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं. सेंडर ने रिसीवर को इंफॉर्मेशन सेंड की, रिसीवर वापस सेंडर को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, यानी रिसीवर अब सेंडर बन गया, सेंडर रिसीवर बन गया, ऐसे हो सकता है. लेकिन दोनों जो है एट अ टाइम एक ही सेंड कर सकता है, बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. अगर सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर को, तो रिसीवर उसको वापस उस वक्त नहीं कर सकता. लाइन एक वक्त में सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या तो इसके ऊपर डाटा एक डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो हो सकता है, या सेंडर से रिसीवर तक जा सकता है, या रिसीवर से सेंडर तक जा सकता है. एट अ टाइम ओनली वन एंड ट्रांसमिट्स डाटा व्हाइल द अदर एंड रिसीव. ठीक है, डाटा इज सेंड एंड रिसीव अल्टरनेटिवली. पहले एक करेगा सेंड, जब दूसरे को मिल जाएगा फिर दूसरा सेंड करेगा. जिस तरह वन लेन ब्रिज में होता है, टू वे ट्रैफिक मस्ट गिव वे इन ऑर्डर टू क्रॉस द अदर, कि एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए एक दूसरे को रास्ता देना पड़ता है. तो इसी तरह यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स मोड में भी इसी तरह होगा. इसकी एक एग्जांपल है, बहुत ज्यादा यूज होती है, जो कि है इंटरनेट ब्राउजिंग या इंटरनेट सर्फिंग. आप इंटरनेट का जो इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट पे होता है, आप है यूजर, ये है आपका कंप्यूटर, ठीक है, आपने ये आपका है वेब सर्वर, या जिसके ऊपर सारे वेब पेजेस पड़े हैं. आपने किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट सेंड की, ये आपने सेंड की यूजर ने, ठीक है, एक साइड पे डाटा ट्रांसमिट हुआ, सही है, कहां से, आपके कंप्यूटर से, यूजर के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन फ्लो हुई टू वेब सर्वर, फिर वेब सर्वर ने उस डाटा को भेज दिया, ठीक है. वेब सर्वर रिसीव ने, वेब सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद एंड सेंड डाटा, तो डाटा सेंड कर दिया. डाटा फ्लोस फ्रॉम वेब सर्वर टू यूजर कंप्यूटर, ये वेब सर्वर से यूजर कंप्यूटर तक डाटा फ्लो हुआ. अब देखिए, एट अ टाइम
एक बंदे ने काम दिया। पहले जब यूजर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जा रही थी वेब सर्वर तक, तो उस वक्त वेब सर्वर ने कोई डाटा सेंड नहीं किया था। फिर जब वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंच गई, तब उसने उस डाटा को यूजर कंप्यूटर पे सेंड किया। दोनों तरफ टू वे ट्रांसमिशन है, दोनों तरफ डाटा आ जा रहा है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही डाटा सेंड या रिसीव कर सकता है। एट अ टाइम यूजर सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, और या फिर यूजर रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसकी वॉकी टॉकी। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वॉकी टॉकीज, ये जब ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना हमारे, उनके हाथ में एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके ऊपर वो बोल रहे होते हैं या कुछ ना कुछ, और एंड में कहते हैं रोजर डैड या कुछ भी बोलते हैं। सही है, वो क्या होता है वॉकी टॉकी भी ऐसे होता है कि एक तरफ से एक शख्स बोल रहा होता है, तो जब तक वो अपनी बात खत्म नहीं कर लेता और एक जो है लास्ट एक सिग्नल देता है, कोई एक वर्ड होता है, जब तक वो नहीं बोल देता तब तक दूसरा बंदा अपनी सेंड नहीं कर सकता वॉइस, वो उसके अंदर नहीं बोल सकता। एट अ टाइम सिर्फ एक बंदा बोल सकता है। ठीक है, ये वॉकी टॉकी इसका आजकल तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं रहा, लेकिन इसको अभी भी ट्रैफिक पुलिस वाले यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है फुल डुप्लेक्स मोड। डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, दोनों तरफ डेटा आ भी रहा है जा भी रहा है। ठीक है, ये देखिए सेंडर और रिसीवर, और ये जो है जैसे ये डायग्राम देखें, जब सेंडर है वो रिसीवर को डेटा भेज रहा है, एट द सेम टाइम रिसीवर सेंडर बन के जो है डेटा दूसरी साइड पे भी भेज सकता है। दोनों सेंडर और रिसीवर बोथ सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली या फिर एक ही वक्त में दोनों डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। इट इज द फास्टेस्ट डायरेक्शनल मोड ऑफ टू डाटा कम्युनिकेशन। इसकी एग्जाम्पल में आके आ जाता है टेलीफोन। जब आप फोन करते हैं किसी को, टेलीफोन करें किसी को या मोबाइल फोन से, तो क्या करते हैं दोनों लोग एट द सेम टाइम बोल सकते हैं, दोनों तरफ टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है, फुल डुप्लेक्स मोड में होते हैं। या डेली लाइफ में अगर आप देखें तो ट्रैफिक टू लेन रोड पर चलती है, एक तरफ ट्रैफिक आ भी रही है और दूसरी लेन में ट्रैफिक जा भी रही है, तो ट्रैफिक कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। ये भी एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स मोड की। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन की पहली टाइप है पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है, ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम थ्रू मल्टीपल कनेक्शन लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस। पैरेलल ट्रांसमिशन में मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसके अंदर ये मल्टीपल लाइंस होंगी और हर लाइन के ऊपर सिंगल बिट ट्रांसफर करेगी। ठीक है, ईच बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट ओवर सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन, हर लाइन के ऊपर अलग अलग बिट ट्रांसमिट करेगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब ये वन है तो ये इस तरह से वन ट्रांसमिट की, ये बिट वन ट्रांसमिट, ये जीरो बिट ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, अच्छा इसमें फास्ट डाटा ट्रांसमिशन होती है। आप खुद गौर करें, फॉर एग्जांपल अब जैसे मोटरवे है, जब मोटरवे आपने नाम सुना है ना, मोटरवे में M2 M3, जब कभी आप मोटरवे पे जाएं, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M2 होता है यानी टू लेन्स वाली मोटरवे, M3 क्या होता है यानी थ्री लेन्स वाली मोटरवे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लेन्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा ट्रैफिक उसके ऊपर से गुजर सकेगी। सही है, ऐसे ही है ना, और उतनी ज्यादा फास्ट होगी ट्रांसमिशन, ट्रैफिक की जो है ना, ट्रैफिक का ट्रैवल उतना ज्यादा फास्ट होगा। ऐसे ही है ना, जितनी ज्यादा जगह होगी, जितनी थोड़ी जगह होगी उतना एक दूसरे को वेट करना पड़ेगा ट्रैफिक को, ताकि अगली वाली मूव करे तो पीछे वाली आए। सही है, अच्छा इनसाइड कंप्यूटर एक टाइम पे अ ग्रुप ऑफ बिट्स ऑफ डाटा फ्लोज एट अ सेम टाइम, एक वक्त में बहुत सारी ग्रुप्स बिट्स आपस में फ्लो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर के अंदर जो बात हो रही है, जो आपका सीपीयू होता है ना डब्बा कंप्यूटर का, जब उसको खोला जाए तो उसके अंदर बहुत सारी तारे होती है ना, तो एक मोटी सी होती है जिसको डाटा बस बोलते हैं। अगर डाटा बस 32 लाइंस वाली है तो उसके ऊपर यानी एट अ टाइम एक लाइन पे एक सिंगल बिट ट्रांसमिट होगी, तो 32 बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा बिट्स ट्रांसफर होंगी एट अ सेम टाइम। फॉर एग्जांपल डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन, आपने सीपीयू से मेन मेमोरी में डाटा ट्रांसफर करना है या सीपीयू से प्रिंटर तक डाटा ट्रांसफर करना है, तो क्या होगा, पैरेलल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा डेली लाइफ में क्या इसकी एग्जाम्पल है, मल्टी लेन हाईवे, जैसे मोटरवे का आप कह रहे हैं, या हाईवे जिसमें मल्टीपल लेन्स हो। सही है, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा आप गौर करें, अब आप कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन।
ठीक है, पहले आप करके आए हैं डाटा ट्रांसमिशन मोड। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में जब क्वेश्चन आता है वो डाटा ट्रांसमिशन मोड की क्वेश्चन आता है और टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन लिखाते हैं, या टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिशन मोड्स करके आ जाते हैं। सही है, तो इस चीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसकी पहचान रख लें। ट्रांसमिशन मोड्स कौन से हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड्स। और डाटा ट्रांसमिशन कौन सी है? ये पैरेलल और अगली जो है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये सीरियल पे आ जाएं। सीरियल क्या करती है कि एट द सेम टाइम सिंगल बिट ट्रांसमिट होती है, एक बिट एक वक्त में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, डाटा ट्रांसमिट होता है सीक्वेंशियली, वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस, एक के बाद अगली बिट, उसके बाद अगली बिट, वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। एक लाइन होती है जिसके ऊपर एक बिट सिर्फ ट्रांसमिट हो सकती है सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान। इट इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, ये थोड़ी स्लो होती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जितनी कम आप मोटरवे की, अगर एग्जांपल मोटरवे की नहीं रोड की एग्जांपल ले लें, जितनी तंग रोड होगी उतनी स्लो उसके ऊपर डाटा ट्रैफिक की उसके ऊपर ट्रैफिक का फ्लो होगा। अच्छा, कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज, इसको कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करते हैं टू डाटा ट्रांसमिट डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कैसे? आप लोगों का जो लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रैवल होता है वो टेलीफोन लाइन पे होता है ना, जब आप लोगों ने इंटरनेट लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरनेट के जरिए डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक्चुअली, तो वो इंटरनेट आपका किसी ना किसी लाइन के जरिए आ रहा होता है। अच्छा, एग्जांपल क्या है? टेलीफोन लाइन सिस्टम टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इंटरनेट ना भी लिया हो, वैसे भी आप लोग टेलीफोन करते हैं तो वो लाइन तो आई होती है ना टेलीफोन की। या इसकी एक एग्जाम्पल है माउस भी है, कि कंप्यूटर के अंदर जो माउस की तार होती है वो एक छोटी सी तार होती है जो आपके कंप्यूटर की माउस की होती है, तो उसके ऊपर माउस का डाटा, क्योंकि माउस का वैसे ही डाटा छोटा सा होता है, क्या होता है क्लिक करने पे कोई इलेक्ट्रिक पल्स जा रही होगी, नहीं करेंगे तो वो कोई इलेक्ट्रिक पल्स नहीं जाएगी। तो क्या होगा कि माउस का जो डाटा है वो भी थोड़ा होता है, तो उसमें भी सीरियल ट्रांसमिशन यूज होती है। डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो जो आपकी स्ट्रीट की जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट होती है, वन लेन रेजिडेंशियल स्ट्रीट, आपके घर के बाहर वाली सड़क, वो छोटी सी होती है, उसके ऊपर ज्यादा डाटा ज्यादा ट्रैफिक फ्लो भी नहीं करती, थोड़ी सी ट्रैफिक होती है। तो क्या कितने को होती है जो इट गिट के घर वालों ने गाड़ी निकाल के ले गए ये वो, बस जो मेन आपकी मेन रोड्स होती है ना वहां पे ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो वहां पे जरूरत होती है मल्टीपल लेन्स की। ठीक है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां सीरियल ट्रांसमिशन से काम लिया जाता है। सीरियल ट्रांसमिशन की आगे दो टाइप्स हैं, एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। अब सबसे पहले एसिंक्रोनियस देख लेते हैं। एसिंक्रोनियस जो होती है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर करके डाटा को ट्रांसमिट करती है, डाटा को सेव नहीं किया जाता। ये देखिए, ये आपके पास सेंडर है, ये आपके पास रिसीवर है। ठीक है, डाटा ने सेंडर ने रिसीवर को डाटा सेंड करना है, वो जैसे ही रिसीवर सेंडर जो है वो डाटा सेंड जैसे ही डाटा उसके पास आएगा फौरी तौर पे उसको लाइन पे चढ़ा देगा, फौरी तौर पे उसको साथ साथ सेंड करता जाएगा, साथ साथ सेंड करता जाएगा, कहीं अपने पास सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, गैप्स आने के चांसेस होते हैं। जिस वक्त डाटा है उस वक्त सेंड कर दिया, जब डाटा नहीं आ रहा पीछे से तो फिर क्या है, थोड़ी देर वेट कर लो, गैप आ जाएगा। अच्छा, इट इज कॉमनली यूज इन टेली टाइप कम्युनिकेशन, जैसे कि कीबोर्ड, जब कीबोर्ड से डाटा आप जब की एंटर कर रहे हैं, की प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही आपने प्रेस की इमीडिएटली फौरी तौर पर उस वक्त ट्रांसमिट हो गया डाटा टू रिसीवर। इस वक्त आपका सेंडर क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेकर चले, सेंडर क्या है कीबोर्ड और रिसीवर क्या है आपका सीपीयू। ठीक है, सेंडर ने रिसीवर को यानी कीबोर्ड ने सीपीयू को डाटा सेंड करना है, कैसे कर रहा है कि जब यूजर ने कीबोर्ड की कोई की प्रेस की है तो उसी वक्त फौरी तौर पे वो जो भी उसने प्रेस किया उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ चली गई, सीपीयू तक ट्रांसमिट कर दी। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज नॉट फिक्स्ड, टाइम इंटरवल इस सूरत में फिक्स नहीं होगा। देखें, अब मैं एक यूनिफॉर्म स्पीड में एक ही स्पीड के साथ कीज तो प्रेस नहीं कर सकती ना, आप बीच में वेट भी कर लेते हो, आप रेस्ट ले लेते हो, थोड़ा सा आप जो है सराउंडिंग्स में भी अपने इर्द गिर्द भी देख रहे होते हो, तो उसकी वजह से भी गैप आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से गैप्स आ जाता है बिटवीन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के दरमियान में गैप्स आ जाते हैं। अच्छा, इट इज अ स्लोअर मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन एज अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स, बिट बाय बिट डाटा ट्रांसमिट होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। अच्छा, अब ये कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक की प्रेस की है कीबोर्ड से जिसकी ASCII वैल्यू क्या है 65। अगर मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जो हम पीछे करके आए हैं, तो वो क्या बन गया 1 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 और दोबारा 1। ठीक है, ये मेरे कैरेक्टर आ गया एक ही प्रेस करने से।
अब मैं क्या करूंगी, इससे पहले एक स्टॉप बिट ऐड कर दूंगी, एक स्टार्ट बिट ऐड कर दूंगी, एक स्टॉप बिट ऐड कर दूंगी। स्टार्ट बिट क्या है, वो है जीरो, और स्टॉप बिट क्या है, वो है वन। अब मेरा सेंडर इस साइड पे है, मेरा रिसीवर इस साइड पे है, तो स्टार्ट बिट क्या होगी, रिसीवर की साइड पे होगी ना, तो मेरी यहाँ पे स्टार्ट बिट जीरो लग जाएगी। और यहाँ पे ये, बल्कि मैं ना किसी और कलर के साथ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, स्टार्ट बिट मेरी यहाँ पे जीरो लग जाएगी और स्टॉप बिट यहाँ पे मेरी वन लग जाएगी, स्टॉप बिट वन है। ठीक है, मैंने स्टार्ट और स्टॉप बिट ऐड कर दी ताकि रिसीवर के पास जैसे ही स्टार्ट बिट पहुंचेगी वो अलर्ट हो जाएगा कि भाई मेरे पास डाटा आने वाला है, अलर्ट हो जाओ, सीपीयू अलर्ट हो जाएगा और वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टार्ट बिट के बाद आने वाले कैरेक्टर्स को रिसीव करता जाएगा। और जैसे ही स्टॉप बिट आएगी क्या करेगा, सीपीयू मतलब इजी हो जाएगा कि मतलब स्टॉप हो गया है, अब डाटा और नहीं आने वाला, इसलिए स्टार्ट और स्टॉप बिट का ऐड किया जाता है। ठीक है, क्या है, इट प्रोवाइड टाइमिंग ऑन सिंक्रोनाइजेशन फॉर द कनेक्शन, सेंडर और रिसीवर को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, टाइमिंग प्रोवाइड करता है या सिंक्रोनाइज करता है कनेक्शन के लिए कि भाई अब जैसे ही स्टार्ट बिट जाएगी रिसीवर एकदम अलर्ट हो जाएगा और वो जल्दी से सिंक्रोनाइज हो जाएगा सेंडर के साथ और रिसीव करना शुरू कर देगा, जैसे ही स्टॉप बिट होगी तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, स्टार्ट बिट क्या है, जीरो, विच टेल्स रिसीवर दैट अ कैरेक्टर इज कमिंग। इसको स्पेस स्टेट भी कहते हैं, स्पेस स्टेट, एमसीक्यूज के लिए इसको देख लें। अच्छा, स्टॉप बिट क्या होती है, वन, विच इंडिकेट्स दैट ट्रांसमिशन हैज फिनिश्ड और ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ईच कैरेक्टर, कि ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, अब और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये दो चीजें, अब इसी इस ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, इसके अंदर गौर करें, ये एक कैरेक्टर जा रहा था, इस कैरेक्टर से पहले ये स्टार्ट बिट जीरो लगा दी, इधर वन लगा दी स्टॉप बिट, ये दूसरे कैरेक्टर की जीरो और ये स्टॉप बिट वन। ठीक है, ये अगर आप देखें डाटा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है उस डायरेक्शन में स्टार्ट बिट लगेगी, और जहां जो जब जहां पे कैरेक्टर एंड हो रहे हैं वहां पे स्टॉप बिट लग गई। ठीक है, दरमियान में ये डाटा आ गया, एक्चुअल डाटा दरमियान में, सही है। अब एक और चीज इसके अंदर, एक और टर्म होती है, वो होती है मार्क स्टेट, या मार्क स्टेट भी बोलते हैं इसको, या इसको आइडल लाइन भी बोलते हैं। हमने बात की कि एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में गैप्स होते हैं, जिस वक्त यूजर ने कुछ एंटर नहीं किया गैप आ गया, तो उस गैप की सूरत में क्या करना है, उस गैप में क्या करना है, लाइन के ऊपर गैप में क्या आ रहा होगा, कहीं लाइन के ऊपर कुछ ऐसा ना आ जाए कि रिसीवर बैठ के उसको डाटा समझ के रिसीव करी जाए, तो उस सूरत में क्या है कि गैप्स को कौन, जब भी गैप्स अपीयर होंगे बिटवीन कैरेक्टर ट्रांसमिशन तो इट इज इंडिकेटेड बाय वन वैल्यू। ये देखें, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो यहाँ गैप की जगह पे वन 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 जो है ना वो ट्रांसमिट होता चला जाएगा, जिसको रिसीवर इग्नोर ही कर रहा होगा। रिसीवर को पता है ये आइडल स्टेट है, यानी 1111 आ रहा है, बार बार 1 आई जा रहा है, इसका मतलब है कि आइडल स्टेट है, इसका मतलब है कि ये गैप है, इसको इग्नोर करता है। फिर जैसे ही 1 के बाद अगला 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पे है 1 के बाद अगला 0 आ जाता है, तो रिसीवर अलर्ट हो जाता है, रिसीवर सिंक्रोनाइज हो जाता है विद सेंडर कि चलो भाई अब डाटा आने लगा है, अब वो अलर्ट हो गया। ठीक है, व्हेन कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड लाइन स्विच फ्रॉम वन यानी मार्क स्टेट से फौरी तौर पे जीरो यानी स्टार्ट बिट पे लाइन स्विच कर जाती है और रिसीवर अलर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया एसिंक्रोनियस। अब नेक्स्ट आ जाता है सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ये दोनों सीरियल डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस क्या करती है, सिंक्रोनियस जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक या वर्ड बाय वर्ड डाटा ट्रांसमिट करती है, एक वर्ड एट अ टाइम। Each block may contain several bytes of data. ठीक है, बहुत एक block में बहुत सारे data हो सकता है। Time interval दो सबका same होता है। ठीक है, time interval between characters is same. Data transmission से पहले उसको save कर लिया जाता है। For example, इसकी example सबसे अच्छी जो है ना वो है sender और receiver की, printer की। CPU printer को data send कर रहा है। ठीक है, प्रिंटर को डाटा सेंड किया सीपीयू ने, तो वो क्या करेगा, पहले सीपीयू सारा का सारा डाटा इकट्ठा कर लेगा और उसको एक जगह सेव कर लेगा। सेव करने के बाद फिर इकट्ठा डाटा इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ब्लॉक बाय ब्लॉक रिसीवर को सेंड कर देगा। तो जब आपने एक चीज पहले से इकट्ठी करके रखी हो, फिर उसको सेंड करना इकट्ठा आसान होता है ना,
आपको वेट नहीं करना, गैप्स नहीं आएंगे फिर इस सूरत में, गैप्स नहीं आएंगे क्या, और ना ही किसी स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट डाटा जो है वो फ्लो हो जाएगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है बगैर यूज जो है आइडल स्टेट और वो जो आपके आपने जो मार्क स्टेट की थी, बगैर स्टॉप बिट, बगैर स्टार्ट बिट के, ठीक है। इट यूजेस क्लॉक सिग्नल्स, ये क्लॉक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल भी किया जा सके और स्केड्यूल भी किया जा सके। और इसको कौन पॉसिबल करता है, सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक के नाम से एक स्पेशल कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो कि ये सिंक्रोनाइजेशन कर रही होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम, एक वक्त में बहुत ज्यादा डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है और उनके बीच में कोई गैप भी नहीं आएगा। जब गैप नहीं आ रहा तो ये फास्ट डाटा ट्रांसमिशन मेथड है। इट इज सुटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, ठीक है, प्रिंटर्स के लिए ये सुटेबल है। नेक्स्ट आ जाता है इन दोनों में डिफरेंस, क्या है डिफरेंस। एसिंक्रोनियस कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिशन करता है जबकि सिंक्रोनियस ब्लॉक बाय ब्लॉक या वर्ड बाय वर्ड करता है। एसिंक्रोनियस में पहले डाटा को सेव नहीं किया जाता, जैसे ही डाटा आता है इमीडिएटली उसको लाइन पे डाल दिया जाता है, जबकि सिंक्रोनियस में डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले सेव किया जाता है। एसिंक्रोनियस में फ्यू कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम, जबकि सिंक्रोनियस में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, बहुत ज्यादा डाटा को एट अ टाइम ट्रांसमिट किया जा सकता है। एसिंक्रोनियस स्लो है, सिंक्रोनियस फास्ट है। एसिंक्रोनियस में टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता, ठीक है, जबकि सिंक्रोनियस में टाइम इंटरवल सेम होता है। एसिंक्रोनियस में गैप्स होते हैं, सिंक्रोनियस में कोई गैप्स नहीं आते। एसिंक्रोनियस में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होती हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं होती स्टार्ट एंड स्टॉप बिट की इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनियस लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है जबकि सिंक्रोनियस स्मॉल ऑफिसेस में इस्तेमाल की जाती है ये डाटा ट्रांसमिशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये, अब जो नेक्स्ट है ये आगे से अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना, इसका आप इसी लेक्चर का पार्ट टू देख सकते हैं और उधर उससे आगे अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।